आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के और लाइक माइंडेड लोगों को कैसे फाइंड आउट करें, उनके साथ कैसे कनेक्ट बिल्ड करें और उनको बताएं कि आप उनके साथ अगर कोलैबोरेट कर लेते हैं या उनके साथ अगर आप मिल सकते हैं तो किस तरह से आप उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। डिजिटली लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तमाम प्रोफेशनल लोग ना सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं बल्कि उसको बहुत एक्टिवली यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रोफेशनल पर्पस। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनली अगर आपने किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होना है और उसको ये वाइब देनी है कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं और आप उसकी फील्ड में उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो आपकी लिंक्डइन के ऊपर ना सिर्फ प्रेजेंस ज़रूरी है बल्कि आपका लिंक्डइन का अकाउंट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना, प्रॉपरली सेट होना और उसके ऊपर आपका एक्टिव होना और आपकी एक्टिविटी का उसके ऊपर पोर्ट्रे होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप करते हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल आपकी एक सीवी की तरह काम करता है और आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको कोलैबोरेशन की या अपने म्यूचुअल कनेक्शंस में आने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो सबसे पहले आपको आपके प्रोफाइल से जज करता है। तो आज की वीडियो में हम लिंक्डइन को डिटेल्स एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि बीइंग अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल और अ रिसर्चर और एनी पर्सन जो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना चाहता है, उसको बनाना चाहता है और अपनी फील्ड के लोगों को उसमें ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए और आपकी प्रोफाइल पिक्चर को लगना चाहिए कि इसमें प्रोफेशनल वाइब आ रही है। आपको पता है कि जब प्रोफेशनली आपने आपको प्रेजेंट करना है तो आपका जेस्चर कैसा हो, आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, उस हवाले से जो आप करते हैं उसको आपकी प्रोफाइल पिक्चर को पोर्ट्रे करना चाहिए। यहाँ पर मेरी फ्रंट फेसेस प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी है लेकिन क्योंकि मैं एज ए ट्रेनर, एज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट भी काम करती हूँ, यहाँ से देखने वालों को एक वाइब जाती है कि आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि लोगों को ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर आपके जो मेन एरियाज़ हैं, मेन फील्ड हैं, उनका होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने अपनी जो कोर स्किल्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं, जो आपके ओहदे हैं, रिकग्निशंस हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने अपने स्किल्स को मेंशन नहीं किया, मैंने अपने ओहदों को मेंशन किया है कि मैं फाउंडर को फाउंडर साइंटिफिक पाकिस्तान हूँ, फाउंडर एंड CEO साइंटिफिक सरकार हूँ एंड को फाउंडर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर IT सरकार हूँ। यहाँ पर आप अपनी कोई एक एजेंसी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको मेंशन करते हैं, अगर आपकी वो अपनी है तो यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो लास्ट डिग्री का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद आपने अपने जो है एक्सपीरियंसेस उनको ऐड करने हैं और हर एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप PhD के स्टूडेंट हैं, उस PhD के स्टूडेंट या आप MPhil के स्टूडेंट हैं या आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके कोर स्किल्स क्या हैं, कोर इंटरेस्ट क्या हैं, इनिशियली जो आपके इंटरेस्ट होंगे वही आपके स्किल बनेंगे। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर इंटरेस्ट। आपका फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो डिज़ाइनिंग है, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट राइटिंग है, आपका इंटरेस्ट जो है वो मार्केटिंग है, तो यहाँ पर आप उनको मेंशन करें और वही इंटरेस्ट आपकी स्किल्स बनेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपकी कोई स्किल है जिसमें आप पॉलिश्ड हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उन स्किल्स को मेंशन करेंगे कि इस खास अदारे के अंदर काम करते हुए कौन से कोर स्किल्स हैं जिनको आप, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। इसी तरह फिर जहाँ पर अगर आपने जॉब की है और आपके को खास एक्सपीरियंसेस रहे हैं, खास और स्किल्स को आपने एक्सप्लोर किया है, वो यहाँ पर आप सारी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी और फिर उसके बाद आपकी स्किल्स आ जाएगी। ये वाला स्किल का एरिया जो है ये बीइंग स्पेसिफिक केमिस्ट्री की स्किल्स अभी तक मेरी डली हुई है, मैंने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आपकी सारी स्किल्स जो हैं वो आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर पीपल आपको जो है फिर इंडोर्स करते हैं, वो तमाम लोग जो आपके कनेक्शंस में हैं वो आपको एक कहले के काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो एक अच्छे राइटर हैं या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे से चलाना आता है, तो वो आपके कनेक्शन के लोग जो कभी आपके कोलीग्स रहे हैं या आपको जानते रहे हैं, वो आपको इंडोर्स करेंगे कि हाँ मैं एविडेंट हूँ कि इस पर्सन को ये वाली स्किल आती है। तो यहाँ पर आपकी जितनी एंडोर्समेंट आपकी स्किल्स के अगेंस्ट होंगी, उतना ज़्यादा आपका स्किल देखने वाले को वो ज़्यादा आप उसमें स्किलफुल लगेंगे और उस स्किल की बेस पे आपकी हायरिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस हैं, यहाँ पर लोग आपको रिकमेंडेशंस देते हैं और ये फिर आपके वो इंटरेस्ट हैं, ये मुझे मेरे इंटरेस्ट, मेरी सर्चेस के अगेंस्ट मुझे लिंक्डइन जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सजेशंस है वो प्रोवाइड करता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने यहाँ पर उन लोगों को सर्च करना है जिनके साथ आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्चर हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसर्चर्स को आता है वो अपने फील्ड के उन तमाम रिसर्चर्स को जो इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जितने भी लोग जो लिंक्डइन पर मौजूद हैं उनको रीच आउट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री लिखने के बाद
यहाँ पर ये आपको एक बहुत बड़ी ऑप्शन देता है लिंक्डइन, जिससे आप अपनी मर्जी के फिल्टर्स लगा सकते हैं। आप केमिस्ट्री में जॉब सर्च करना चाहते हैं, केमिस्ट्री की कंपनीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं, लिंक्डइन पे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी पोस्ट लगी हैं उनको देखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। पोस्ट जो लगा रहे हैं डेफिनेटली वो केमिस्ट्री के लोग हैं और वो कहीं ना कहीं आपके काम के लोग हो सकते हैं। ग्रुप्स बने हुए हैं, कोर्सेज केमिस्ट्री के कितने हैं, प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री की कितनी हैं जो लोग बना के यहाँ पर सेल कर रहे हैं, स्कूल्स कितने हैं, इवेंट्स कितने हो रहे हैं। तो बीइंग अ केमिस्ट इन सारी चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लोर करना जरूरी है। ये एक दुनिया है नॉलेज की और कनेक्शंस की, अच्छे कनेक्शंस की, और यहाँ पर एक अच्छी सी ऑप्टिमाइज्ड वेल रिटन ईमेल जो है आपके लिए फ्यूचर के आपके एक ऐसे दरवाजे खोल सकती है जो कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म में कितना पोटेंशियल है। एंड पीपल आर इन सर्च ऑफ अ गुड पीपल, तो लोग अच्छे एम्प्लॉयर्स की तलाश में होते हैं, अच्छे रिसर्च ग्रुप स्टूडेंट्स की तलाश में होते हैं, अच्छे कंपनीज अच्छे एम्प्लॉयर्स की तलाश में होती हैं। तो पीपल आर लुकिंग फॉर ईच अदर। तो अगर आप किसी को रीच करते हैं और अपने पोटेंशियल के बारे में बताते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आपकी कलेब्रेशन डेवलप होने के, आपकी हायरिंग के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। आपकी सीरियसनेस ये प्लेटफॉर्म शो करता है, जिसके इसके ऊपर जितने ज़्यादा आप एक्टिव हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऑल फिल्टर्स की तरफ चले जाते हैं। वी आर इंटरेस्टेड फॉर एग्जाम्पल इन पीपल, और पीपल में जाने के बाद हम यहाँ पर ऑल फिल्टर्स लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है ये फ्री जो हमारा पैकेज होगा उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड कनेक्ट्स तक जो है हम अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड कनेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल एक फ्रेंड क्लस्टर्स की तरह है। फॉर एग्जांपल मेरे ही एक दोस्त है और मेरी दोस्त की एक दोस्त है, तो जो मेरा दोस्त है जो मेरे कनेक्शन में बंदा है वो मेरा फर्स्ट कनेक्शन है, और जो मेरे दोस्त का दोस्त है वो मेरा सेकंड कनेक्शन है, और मेरे उस दोस्त के दोस्त का दोस्त जो है वो मेरा थर्ड कनेक्शन है। तो लिंक्डइन मुझे सिर्फ फ्री अकाउंट में एक्सेस देता है उस थर्ड पर्सन तक कि मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री लिखती हूँ तो मेरी केमिस्ट्री की सर्चेज में सिर्फ वही लोग आएंगे जो मेरे थर्ड कनेक्शन तक हैं एंड दे आर फ्रॉम केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, यहाँ पर आप लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट के जो है वो देखना चाह रही हूँ केमिस्ट्री के लोग, इसी तरह यहाँ से आप सर्च करके डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आती हैं। फॉर एग्जांपल आप सिटी वाइज जो है और यूनिवर्सिटी वाइज जो है, ये देखिए कनाडा में आप जो है वो अपनी मर्जी के लोग जो है उनको फाइंड आउट कर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी रिसर्च को भी स्पेसिफाई रखना चाह रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ US के लोग जो हैं, US के केमिस्ट्री के लोग जो हैं उनको टारगेट करूं, और फिर उसके बाद वो तमाम लोग जो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और वो तमाम लोग जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और उनकी करंट कंपनीज क्या हैं और उनके स्कूल क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैं चाहती हूं केमिस्ट्री के लोगों को मैं कनेक्ट करूं। तो वो क्या करते हैं जी, वो रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या मैं यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करती, और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि बस मुझे रिजल्ट दिखा दें। अब हमारे पास जी आदित्य गैरी आए हैं। आदित्य गैरी क्या हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में होते हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जॉब करते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए हैं। सीनियर रिसर्चर एंड फॉलो एट बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और यहाँ से आप इनके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो हैं ये, इनकी सारी एक्सपर्टीज़ हैं। आप देख सकते हैं इनके एरिया ऑफ रिसर्च कौन से हैं, इनके इंटरेस्ट कौन से हैं, यहाँ से आप इनकी स्किल्स, उन्होंने बहुत डिटेल से यहाँ पर मेंशन की हुई होती हैं। ये सारा अबाउट होता है किस फील्ड में उनकी ये सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके इंटरेस्ट के बंदे हैं और आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट इनको बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जो है इनको ये कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब क्योंकि ये मेरे सेकंड में थे तो इसलिए मुझे जो है वो शो में, तो यहाँ से आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ पर आप एक छोटा सा नोट भी ऐड करके भेज सकते हैं कि मैं ये हूँ एंड दिस आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, मेरी ये लर्निंग्स हैं, मैं इस इंस्टीट्यूट में हूँ, ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं और ये मेरे फ्यूचर इंटरेस्ट हैं एंड आई फाउंड यू वेरी रिलेटेड टू माई इंटरेस्ट और आई वॉन्ट टू डेवलप कोलैबोरेशन विद यू इन एनी रिगार्ड, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं हैं, अगर आप क्लियर हैं तो वो स्पेसिफिक एरिया जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मेंशन करने के बाद जो है आप यहाँ पर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि और हमारे पास कौन थे, कैरिज जे जम्बोनी हैं, ही इज द वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं लेकिन वो आर्मी में हैं, तो हमें उनसे नहीं लेना देना कुछ भी।
सीईओ, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट, इन्वेंटर, स्पीकर, यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए तमाम लोग और वो तमाम लोग जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से आप वो तमाम लोग जो आपके फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, सीईओ हैं, उन्होंने अपनी को कंपनीज बनाई हुई हैं, उनको भी सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपनी रिसर्चर्स जो हैं, बहुत मुख्तलिफ रिसर्चर्स जिन डिपार्टमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुली हुई है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी है, तो ये हमारे पास एक रिसर्चर है और हम इनको वहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से भी आप इनका नाम उठा के इनका लिंक्डइन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एरिक हेलर हैं और मुझे लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट के हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक्डइन लिखूँगी। तो एरिक हेलर का जो लिंक्डइन का अकाउंट है, एडवाइजर स्ट्रेटजी प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी, नहीं ये वो वाला एरिक हेलर नहीं है, मैं यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी मैंशन कर देती हूँ। ये आ गया जी, एरिक हेलर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि ये मेरे कनेक्शन में, थर्ड कनेक्ट में आ रहे हैं, तो मैं इनको जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ। तो आप सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप सब पहले मेरे साथ लिंक्डइन पे अटैच हों, या किसी भी पर्सन के साथ आपकी यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी में, बहुत बड़े बड़े हमारे अपने कंट्री के रिसर्चर्स ऐसे हैं जो कि लिंक्डइन पर बहुत एक्टिवली मौजूद हैं, वो मेरे म्यूचुअल कनेक्शंस में हैं। इसी तरह आप किसी को भी सर्च करें और आपको लगता है कि वो आपके म्यूचुअल कनेक्शन में, आप छोटा सा एक नोट भेज सकते हैं और आप जो है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो सारे कनेक्शन जो उनके कनेक्शन में होंगे वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे और आप इजिली उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर केमिस्ट्री की जॉब्स का सेक्शन है, तो ये प्रोफेसर कॉस्मेटिक साइंस स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की जॉब आ गई है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आ गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट केमिस्ट्री की जॉब आ गई है, प्रोफेसर केमिस्ट्री की जॉब आ गई है। और जितनी भी जॉब्स यहाँ पर पोस्ट होती हैं वो बहुत सीरियस होती हैं और आपको सीरियस लोग ही अप्रोच करते हैं। हमारी कंपनी और हम लोगों ने भी जब भी कुछ सीरियस कैंडिडेट्स लेने होते हैं तो वी ऑलवेज यूज़ लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन पर जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आप जो जॉब पोस्ट करने वाले होते हैं वो भी बहुत सीरियस होते हैं और एप्लीकेंट्स भी बहुत सीरियस होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जॉब्स के ऊपर भी फिल्टर लगा के यहाँ से कर सकते हैं, आप कौन से स्पेसिफिक सिटी में जॉब चाह रहे हैं, कौन से स्पेसिफिक कंट्री में चाह रहे हैं, रिमोट चाह रहे हैं, फुल टाइम चाह रहे हैं। तो इस तरह से लिंक्डइन को आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर करें, बीइंग अ प्रोफेशनल एक्सप्लोर करें, बीइंग अ रिसर्चर एक्सप्लोर करें, बीइंग अ स्टूडेंट एक्सप्लोर करें, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें और अपने रिसर्च इंटरेस्ट जो हैं उनको यहाँ पर पोस्ट करते रहें। तो विद इन अ ईयर आप इस काबिल होंगे कि आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन में होंगे और आप किसी अच्छी पोजीशन पर भी हो सकते हैं। विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।